24 न्यूज। आदिवासी समाज की विभिन्न समस्या को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने सौंपा ज्ञापन। सरदारपुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन में बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन में बेदखल करने के लिए और असंवैधानिक कृतियों पर तत्काल रोक लगाकर वैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार अनुचित करें एवं संविधान में आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान है और इसकी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संस्कृति विरासत को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेद और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त है। ये है कि जिन तमाम विदेशी आक्रमणों से लड़ते हुए गुलाम भारत में आदिवासी पुरुषों ने जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन तथाकथित को मिली आजादी और हमें मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर उनके माध्यम से बड़े बड़े बांध बनाकर प्राकृतिक संसाधनों का उपकरण और उनका पुनर्वास करने अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्रीय राज्य सरकार को दखल करने का अधिकार नहीं होगा। जनजाति मंत्रण परिषद की स्थापना कर विकास की संभावनाओं को जमीन पर उतारने का काम करें और उनका नियंत्रण प्रदेश में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति का होना चाहिए, लेकिन वैधानिक व्यवस्था के विरोध में राज्य में केंद्र की सरकार लगातार आदिवासियों के विरोध में कानून बनाकर आदिवासियों को बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए देश भर में लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कदम उठाया है। संविधान के दायरे में रहकर हमारी मांगों पर विचार उचित करें एवं 24 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन ने सौंपा ज्ञापन, जिस दौरान प्रभारी सुनील अजरावत, जयस भारत सिंह खराड़ी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बालू सिंह बारिया, मीडिया प्रभारी खेल सिंह भूरिया, एडवोकेट अनिल नरवे, अकरम भूरिया, सुखराम मेडा, शांतिलाल भाबर, जयेश अध्यक्ष राजेंद्र गामट, विजय भाबर, सुरेश बागेला, किशन सिंगार, गोलू कमलेश दायमा, अजय निनामा, दशरथ निनामा, विनोद भाबर, अनिल खराड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरदारपुर से तहसील रिपोर्टर अजय सिंह भाबर की खास रिपोर्ट। आज आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के निर्देश पर भारत में निवासित करने वाले आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन व उनके हक के ऊपर असंवैधानिक रूप से अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया जाता है एवं सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक में बेदखल किया जा रहा है, इनको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया पूरे भारत में। आपका नाम? जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बालू सिंह बारिया।